हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स के सिलेबस के बारे में। अब जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम स्मार्ट वर्क करें रेदर देन हार्ड वर्क। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो दिन रात पढ़ते थे एनक्लेक्स के टाइम में, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्रैक एनक्लेक्स। अब इसका मेन रीजन क्या था, क्योंकि वो उन सारी चीजों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे जो गुड टू नो टॉपिक्स थे, बट इसकी वजह से वो लोग सारे उन टॉपिक्स को छोड़ जाते हैं जो मस्ट नो टॉपिक्स हैं। सो हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले हमें ध्यान में रखना है कि हम शुड टू नो टॉपिक्स या गुड टू नो टॉपिक्स पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम मस्ट टू नो टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। और ये तभी हो सकता है जब आपको किसी एग्जाम का पैटर्न पता हो कि आपका एग्जामिनर आपको किस कंसेप्ट में से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आज इसीलिए हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि एनक्लेक्स अपने एग्जाम में कौन से पैटर्न को या किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सो फर्स्टली एनक्लेक्स का जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है नर्सिंग फाउंडेशन और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। अराउंड 60-70% एनक्लेक्स अपने क्वेश्चन पूछता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से और नर्सिंग फाउंडेशन से। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनक्लेक्स इन तीनों सब्जेक्ट्स को ही, पीड्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और गायने, इन तीनों सब्जेक्ट्स को ही एनक्लेक्स एक स्पेशलिटी मानता है। उनके अकॉर्डिंग स्पेशलिटीज हैं जो कि बैचलर लेवल पर पूछी नहीं जाती, एनक्लेक्स के लेवल पर ज्यादा कंसर्न नहीं देते वो इन सब्जेक्ट्स को। सो इनका छोटा छोटा पोर्शन एनक्लेक्स डालता है, मेजर पोर्शन होता है हमारा एनएफ में से और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से। अब किसी स्टूडेंट्स ने पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसने इसी मतलब प्रायोरिटी दी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को और नर्सिंग फाउंडेशन को, और इसमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया, मतलब उसने 3 या 4 मंथ में अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया, इसके बाद क्या स्टूडेंट एनक्लेक्स एग्जाम को क्लियर कर पाएगा? द आंसर इज बिग नो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दो कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं जब बात होती है एनक्लेक्स की। द फर्स्ट इज प्रायोरिटी एंड डेलीगेशन एंड द सेकंड इज सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन। एनक्लेक्स इस पूरे सिलेबस में से 60-70% ऑफ द जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रायोरिटी एंड डेलीगेशन में। अगर आप प्रायोरिटी और डेलीगेशन के प्रिंसिपल को अच्छी तरह नहीं समझोगे तो आप एनक्लेक्स का एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपियर इन ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स। ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स में तो अराउंड 80% ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं पूरे सिलेबस में से वो प्रायोरिटी और डेलीगेशन में आते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला हूँ, मुझसे बात करते हैं, उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि वो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद भी उनके जो एमसीक्यूज हैं वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन आए प्रायोरिटी और डेलीगेशन में। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है जो कि प्रायोरिटी और डेलीगेशन में से है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन न्यूरो आईसीयू। न्यूरो आईसीयू, अब एक नॉर्मल स्टूडेंट को जिसको प्रायोरिटी और डेलीगेशन का नहीं पता, उसके लिए ये वाला क्वेश्चन आया है न्यूरो में से। न्यूरो आईसीयू विच क्लाइंट शुड बी असेस्ड फर्स्ट, बट ये क्वेश्चन है प्रायोरिटी और डेलीगेशन का। फॉर एग्जाम्पल अब आपको इसके साथ साथ, मतलब आपको एमएसएन की न्यूरो की नॉलेज होने के साथ साथ आपको प्रायोरिटी और डेलीगेशन के प्रिंसिपल भी पता होने चाहिए। मतलब प्रायोरिटी और डेलीगेशन क्या होता है, एक आरएन किस चीज को, फॉर एग्जांपल उसके पास 4 पेशेंट आए हैं न्यूरो के, वो कौन से पेशेंट को पहले प्रायोरिटी देगी, दैट इज प्रायोरिटी। अब इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। फॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाइंट विद इंक्रीज आईसीपी हुज जीसीएस वेंट 11-14, मतलब एक पेशेंट था उसका जीसीएस 11 था, अब 14 हो गया। क्लाइंट डायग्नोस विद C6 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज डिक्रीज हार्ट रेट हाइपोटेंशन हाइपर रिफ्लेक्सिया। दूसरा पेशेंट ये था जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, जिसका हार्ट रेट डिक्रीज होने लग गया, हाइपोटेंशन होने लगी और हाइपर रिफ्लेक्सिया होने लग गया। थर्ड इज क्लाइंट विद ब्रेन स्टेम हर्निएशन हुज टोज मूव फैन आउटवर्ड, जिसके मतलब टोज आउटवर्ड मूव होने लगे, थर्ड पेशेंट ये था। फोर्थ पेशेंट इज क्लाइंट डायग्नोस विद वेस्ट नाइल वायरस हैज टेम्परेचर 101।
अभी चारों पेशेंट न्यूरो के हैं, आप जितनी मर्जी न्यूरो पढ़ लो अच्छे से, जब तक आपने प्रायोरिटी और डेलीगेशन का कंसेप्ट को अच्छे से नहीं किया होगा, आप एनक्लेक्स क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि न्यूरो को पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन आए हैं प्रायोरिटी और डेलीगेशन में से, और देर आर सर्टेन प्रिंसिपल प्रायोरिटी और डेलीगेशन के, उनको पढ़ना मस्ट है जब जब आप एनक्लेक्स की बात करते हो। सेकेंडली अब मैं बात करता हूँ डेलीगेशन की। डेलीगेशन मतलब एक आरएन किस काम को डेलीगेट कर सकती है, मतलब अपने इन्फीरियर्स को वो काम दे सकती है। अब जब आप एनक्लेक्स की बात करते हो तो आपको तीन चीजें मेनली सुनने में मिलेंगी, आरएन, एलपीएन और यूपीए। ठीक है, तो आरएन सबसे सुपीरियर होती है, आरएन करती है डेलीगेट एलपीएन को और यूपीए को। तो अगर आपको डेलीगेशन के प्रिंसिपल नहीं पता तो आप इन कंसेप्ट को जितना अच्छे से मर्जी क्लियर कर लो, आप एनक्लेक्स के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। सेकेंडली मैं आपको डेलीगेशन का एग्जाम्पल बताता हूँ, विच टास्क इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर चार्ज नर्स। अब चार्ज नर्स कौन है? रजिस्टर नर्स, आर एन। विच टास्क इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर आर एन टू डेलीगेट टू एलपीएन, मतलब आर एन कौन सा टास्क एलपीएन को दे सकती है। अब एनक्लेक्स जो स्टूडेंट कर रहे हैं दे नो कि अब हमारी इंडिया की तरह हर एक नर्स हर कोई काम नहीं कर सकती, इन कंट्रीज में स्पेसिफिकली काम होते हैं रजिस्टर नर्स के, एलपीएन के और यूपीए के, हम हर एक काम को डेलीगेट नहीं कर सकते। तो जब तक आपको डेलीगेशंस के प्रिंसिपल ही नहीं पता होंगे तो आप एनक्लेक्स को क्रैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, टेल दी एलपीएन टू चेंज द सबक्लेवियन ड्रेसिंग, पहला काम क्या है, डेलीगेट कर सकती है नहीं। दूसरा, रिक्वेस्ट एलपीएन टू ऑब्टेन क्लाइंट डेली वेट, अभी एलपीएन का काम है या नहीं ये आपको डेलीगेशंस के प्रिंसिपल से ही पता चलेंगे। थर्डली, असाइन द एलपीएन टू केयर फॉर मिक्स एडिमा कोमा। फोर्थली, आस्क द एलपीएन टू कंप्लीट डिस्चार्ज टीचिंग। दोज स्टूडेंट हु डू नॉट नो द फंक्शंस ऑफ डेलीगेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, तब तक ये स्टूडेंट एनक्लेक्स एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें ये प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे। लास्टली, जितने भी मेरे रीसेंट मैं स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में हूँ, उन्होंने एग्जाम दिया है, उनका मेन यही रहता था कि ऑलमोस्ट 40-50% जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन आए हैं। मतलब एक क्वेश्चन में यूजली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अलग होता है, एमसीक्यूज में आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें एक आपको सिलेक्ट करना होता है जो कि सही आंसर होता है, बट सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में वो आपको 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 8 ऑप्शन तक भी दे सकता है, जिसमें से एक सिंगल आंसर भी हो सकता है, 8 के 8 भी हो सकते हैं, उनमें से 3-4 भी हो सकते हैं। अगर आपको सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई को भी सिलेक्ट करने की एक स्पेसिफिक ट्रिक होती है, बट अगर आप साता को सही करना चाहते हो तो इसके लिए आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट डायग्नोज विद type 1 डायबिटीज mellitus, रिपोर्ट टू नर्स अबाउट नोजिया एंड vomiting, विच ऑल इंटरवेंशन शुड नर्स implement, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मतलब एक पेशेंट आया नर्स के पास कि वो बोल रहा है डायबिटीज mellitus type 1 का कि मुझे नोजिया vomiting हो रही है, अब नर्स को कौन कौन सी इंटरवेंशन इंप्लीमेंट करनी है उसे ठीक करने के लिए। अब ये आंसर आप, फॉर एग्जाम्पल, देर आर 8 ऑप्शंस, 8 के 8 भी आंसर हो सकते हैं, 8 में से 1 भी हो सकता है, और 8 में से 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। या कैसे ठीक कर सकते हो, जब आप कंसेप्ट के कोर को पढ़ोगे, ना कि सुपरफिशियली, आपको कंसेप्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, बट कौन से कंसेप्ट की, मस्ट नो कंसेप्ट की, ना कि शुड नो और गुड टू नो। ऑल दो आपको शुड नो टॉपिक्स भी करने हैं, आपको गुड टू नो टॉपिक्स का भी पता होना चाहिए, बट आपका मेन फोकस किस उन पर होना चाहिए, मस्ट नो टॉपिक्स पर। आज मैं आपके लिए वीडियो इसलिए लेकर आया था ताकि आपको प्रायोरिटी और डेलीगेशन और सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस पता लगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा प्रायोरिटी और डेलीगेशंस की, मैं आपको डीप में बताऊंगा एक एलपीएन का काम क्या होता है, एक यूएपी का काम क्या होता है, या एक आरएन कौन कौन सी चीजें डेलीगेट कर सकती है। आफ्टर दैट मैं आपको प्रायोरिटी सेट करनी बताऊंगा कि किस पेशेंट को हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स।